हेलो गाइस, वेलकम टू आर के बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनेलिडा। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था वर्शल मैंथिस दैट इज राउंड वार्म, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे हमने, अच्छी तरह फाइलम को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे एनेलिडा फाइलम के मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। फाइलम एनेलिडा, इसके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, कैसे होते हैं इनके मेंबर। एक्वेटिक होते हैं, याद रखना है, और मैराइन और फ्रेश वाटर, ये आपको याद रखना है। अगर हम अर्थवर्म की एग्जाम्पल लें, अर्थवर्म हम जानते हैं किसमें आता है, किसमें आता है, एनलीडा का मेंबर है। अर्थवर्म जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है। तो तभी जो है यहाँ पे लिखा हमने मैराइन एंड फ्रेश वाटर और टेरिस्ट्रियल, एक्वेटिक भी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्वेटिक भी है और उसके बाद टेरिस्ट्रियल भी है, ये आपको याद रखना है। और फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासिटिक, ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम टाइम पैरासिटिक, ये जो पॉइंट है ये कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समटाइम पैरासिटिक मतलब कि अगर हम लीच की बात करें, लीच जो है वो भी एनलिडा का मेंबर है, तो वो भी क्या है, हमेशा वो क्या होता है, पैरासिटिक नहीं होता है। बट हमने देखा था जब प्लेट सॉरी अर्शल मैंथिस देखा था, राउंड वार्म देखा था, वहां पे क्या था, मे बी पैरासिटिक, ठीक है। यहाँ पे टर्म क्या है, समटाइम्स पैरासिटिक, तो डिफरेंस है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है, और बायलेटरल सिमिट्री, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल, सिलोमेट एनिमल्स, यहाँ पे देखिए ट्रू सिलोमेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रू सिलोमेट की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने राउंड वार्म में स्टडी किया था कि जो मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, सीडो सिलोमेट। यहाँ पे क्या आ रहा है, जो ऐसा फाइलम आ रहा है जहाँ पे क्या है, ट्रू सिलोमेट अपेयर हो रहा है, ठीक है, ट्रू सिलोमेट एनिमल्स हम कह सकते हैं, ठीक है, इनको, इस फाइलम को। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे क्या होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। मेटामेरिकली क्या होता है, मतलब कि जो रिंग्स लाइक पैटर्न होता है, ठीक है, जो रिंग्स लाइक पैटर्न जो है, यहाँ पे देखिए जो रिंग्स हैं यहाँ पे क्या है, अटैच्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ऐसा जो जहाँ पे जिस भी एनिमल्स में ऐसा पैटर्न मिलेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है, सेगमेंटेड होगी। तो जो जो बॉडी सरफेस है ये सेगमेंट्स में डिस्टिंक्टली मार्क्ड हो रही है। यहाँ पे देखिए अगर इसको देखेंगे हम, ये जो नीरिस है इसको देखेंगे, यहाँ पे देखिए सेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो सेगमेंटली मार्क्ड है, ठीक है, इसी को हम सेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है, इन टू सेगमेंट्स आर मेटामर्स कहते हैं, ठीक है। इन सेगमेंट्स जो हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, तो एक को हम क्या कहेंगे, मेटामर्स कहेंगे, ठीक है। तो इसी मेटामर्स के बेसिस पे, सेगमेंट के बेसिस पे फाइलम को हम क्या कहते हैं, एनालिडा, ठीक है। एनालिडा का मीनिंग क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखिए लिटिल रिंग्स, ठीक है, रिंग्स का जो बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, रिंग्स के मिलके बने हुए हैं, ठीक है। अगर एक सपोज एक हम बंच ऑफ रिंग्स ले लें ऐसे करके, तो एक मेंबर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिंग की तरह ये है, लिटिल रिंग की तरह जो है इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रिंग होंगे तो उसको हम ज्वाइन करेंगे तो एक मेंबर बन जाएगा, ठीक है, उसकी तरह। तो तभी इसका नाम जो है वो एनालिडा इस फाइलम को पड़ा है, आपको याद रखना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लोकोमोशन कैसे करते हैं, लोकोमोशन करने के लिए इनमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स जो हैं इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद जो है वो क्या, और क्या होता है, एक्वेटिक एनालिडा की बात कर रहे हैं, लाइक नीरिस, नीरिस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। लेटरल अपेंडेजेस जो है ये बेयर करती है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लेटरल अपेंडेजेस हैं इस साइड पे, तो ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखिए और उसके ऊपर क्या है, ठीक है, पैरापोडिया प्रेजेंट है, फाल्स फिट, जिनको हम कहते हैं फाल्स फिट कहते हैं, ठीक है। ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, एक्वाटिक एनालिडास में प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है आपको। तो ये आप सबको, आपको ये सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो क्या आते हैं, इसमें देखते हैं वो भी, इसके अंदर क्या आता है, यहाँ पे देखिए एक्वाटिक एनालिडास, हमने नीरिस की बात की, तो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, उसके बाद इसमें क्या होता है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको क्या याद रखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा है, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम आर्थ्रोपोडा डिस्कस करेंगे वहां पे कुछ और होगा, वहां पे हो सकता है ओपन हो, हम देखेंगे वो, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन कौन परफॉर्म करता है, तो नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, क्या होता है, नेफ्रिडिया होता है, और ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन करता है, नेफ्रिडिया ही करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है डुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं नेफ्रिडिया, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये आपको याद रखना है। अब हमने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट है एक्सक्रीशन के लिए, अब जो न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम में क्या प्रेजेंट होगा,
गैंग्लिया के पेयर प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऐसे पेयर्स में प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, कंडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। ठीक है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व, नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये इतना आपको लाइन याद रखनी है, ठीक है, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे देखिए, नीरिस, नीरिस क्या आता है, एक्वेटिक फॉर्म है, और आपको याद है डाइशियस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाइशियस क्यों कहा हमने, डाइशियस मतलब मेल एंड फीमेल जो होंगे वो सेपरेट से होंगे, सेपरेट मतलब अलग अलग होंगे, डाइशियस, ये आपको वर्ड याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि हम अर्थवा में देखेंगे तो वो कैसा होता है, जो मेल है, मेल और फीमेल है वो मोनोइशियस होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल जो होते हैं वो मोनोइशियस, मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं दोनों सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, नीरिस जो है वो क्या है, डाइशियस है, अर्थवा में लीचीज जो है वो मोनोइशियस है, ये आपको याद रखना है, अर्थवा में लीच जो है वो क्या है, मोनोइशियस है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, अर्थवा में लीचीज आर मोनोइशियस, और रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आती हैं, नीरिस, नीरिस हमने देखा यहाँ पे, देखिए डायग्राम में, ठीक है, उसके बाद हमने देखा अर्थवर्म, यहाँ पे मेंशन नहीं है अर्थवर्म, आपको याद रखना है फेरेटिमा, फेरेटिमा जो है इसका साइंटिफिक नेम है अर्थवर्म का, याद रखना है आपको। उसके बाद जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है, ब्लड सकिंग लीच, लीच की एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हिरुडेनिया भी कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखनी रखनी है। और साथ में जैसे कि हमने कहा यहाँ पे जो नीरिस के बारे में, नीरिस के बारे में आपको याद रखना डाइशियस है, ठीक है, उसके बाद हमने कहा था ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं, नेफ्रीडिया इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूरल सिस्टम कैसा होता है, गैंग्लियास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और कनेक्ट होते हैं नर्व्स से, ठीक है, कनेक्टेड बाय नर्व्स, ये आपको याद रखना है पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एनलिडा का, और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फाइलम, नेक्स्ट फाइलम जो है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्थ्रो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, टिल देन पढ़ते रहिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करिए, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर उनको भी देखिए, जैसे कि एक्सक्रीशन पे हैं, ठीक है, उसके बाद लोकोमोशन पे हैं, ठीक है, और साथ में जो है ट्रिक्स भी बहुत सारे पढ़े हैं, ठीक है, जो आपको मॉर्फोलॉजी में काम देंगे, और इजीली जो है आप वहाँ से देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।